Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, we will solve the question 10. Question 10 is 200 logs are stocked in the following manner. 200 जो logs हैं लकड़ी के लट्ठे हैं, इन इस तरह से लगाया गया है कि 20 logs in the bottom row, then 19 in the next row, then 18 in the row and next row so on. जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, सी फिगर. हमें बताना है, in how many ways, in how many rows are the 200 logs placed? कितनी rows में 200 logs जो हैं वो प्लेस करे जाएंगे? And how many logs are in the top? और top row में कितने logs हैं? See, किस तरह से यहाँ पे जो है लगाया गया है, अगर मैं आपको बताऊं, first में जो log लगाए गए हैं इस तरह से, ये कितना है? 20. Then next में लगाए गए हैं, ये कितना है? ये 19 है. Then next में लगाया गया है, ये कितने होंगे? अब ये 18 है, and so on, इस तरह से बढ़ता जा रहा है. Since logs in the rows are कितना है? 20, 19, 18, and so on. Since it forms an AP. ये एक AP को फॉर्म करता है. अब AP को फॉर्म करेगा whose, तो AP को फॉर्म करके whose A is equal to 20 and D is equal to कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि हर बार आपका डिफरेंस कितना आएगा? -1 आएगा. और N यहाँ पर हमें निकालना है, तो N यहाँ पे आपको निकालना है. सिंस यहाँ पे स्टूडेंट हमें यहाँ पे दे रखा है Sn, Sn बराबर 200 हमें दे रखा है, sum of all logs. तो ये हमारा 200 जो सम है कितना हो जाएगा? 200 is equal to n by 2 into में 2a कितना हो जाएगा? This plus n minus 1 d कितना हो जाएगा? -1 this. अब ये 2 से इधर कर दीजिए, कितना आएगा? 400 n अंदर कितना आएगा? 40 -1 की करेंगे, -1 +1 this is. और फिर अंदर n की करेंगे तो कितना आएगा? 41. मैं 41 लिख देता हूँ क्योंकि 40 plus 1 is 41. 41 है. Minus n square is equal to 400. Now this will be n square minus 41 n plus 400. और अब 400 कैसे फैक्टर, जो आपका 41 आए, this is 25 into 16. तो n square 41 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 26 n 25. 25 n minus 16. इन दोनों का सम 41 आएगा और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आएगा. 25 into 60 plus 400 equal to 0. अब आप क्या कीजिए, यहां से n कॉमन ले लेंगे तो n minus 25, यहां से minus 16 कॉमन ले लेंगे तो n minus 25, ये आपका आ जाएगा is equal to 0. n minus 25 and n minus 16, ये आपका आएगा since n minus के 16, ये आपका है n minus 16 एंड n minus के 25 equal to 0, ये आपका आ जाएगा. Since student n minus 16 and n minus 25 यहाँ पर आ रहा है, so n can be n is equal to either 16 or 25, या तो 16 होंगे या 25. Now student, इनमें से एक आंसर जो हो जाएगा वो neglect हो जाएगा. तो अगर मैं मानता हूँ if n is equal to 16, अगर n क्या हो? 16, या यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है प्लस का 400 है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 16 लूंगा तो दिस विल बी पहला प्लस और दूसरा माइनस हो जाएगा. करेक्ट, सो फैक्टर यहाँ पे करेक्ट है. एन अगर मैं 16 लेता हूँ तो देर आर 16 रो, तो टॉप रो पे क्या होगा? यानी ए एन पे, ए एन हमारा कितना हो जाएगा? ए प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 डी. अब ए कितना है हमारा फर्स्ट में? 20 प्लस 15 into minus 1, जो कि कितना आ जाएगा? 20 minus 15 equal to 5, यह आ जाएगा. But if n is equal to 25, तो an कितना आएगा? यानी top row में कितने logs होंगे? a plus 24d, यानी कि 20 into 20 plus 24 into minus 1, a की value, यानी 20 minus 24, that is equal to minus 4. यानी टॉप रो पे माइनस 4 लॉग्स हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये एन क्या है? लॉग्स इन टॉप,
locks in top row, which can be negative, जो negative नहीं हो सकता, therefore, there are 16 rows and top row has 5 locks. So, top row पे 5 locks है.